ब्लैक पेपर चिकन स्टेक बनाने के लिए सबसे पहले आपने मैरिनेट प्रिपेयर करना है। मैरिनेट बनाने के लिए एक लहसुन का जौ और उसमें एक चाय का चम्मच आपने साबुत काली मिर्च डालकर अच्छे तरीके से पीस लेना है। उसमें आपने आधा चाय का चम्मच नमक शामिल करना है ताकि मैरिनेट अच्छी तरह से पिस जाए। फिर इस आपने आधा चिकन ब्रेस्ट लेना है और उसको 3 बारीक पीसेस में काट लेना है और उसके ऊपर आपने ब्लैक पेपर मैरिनेट लगाना है। इसके बाद आपने इसमें शामिल करना है 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर और 2 चम्मच सोया सॉस के, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके 15 से 20 मिनट के लिए रख लें। एक ग्रिल पैन के ऊपर आप ब्रश की मदद से ऑलिव ऑयल रखें और जब वो ग्रिल पैन गर्म हो जाए तो उसके ऊपर अपनी चिकन स्टेक्स रखें। 5 मिनट की में ये तैयार हो जाएंगी। 3-3 मिनट के बाद आप इसको पलट दें। एक्स्ट्रा मैरिनेट को आपने उसके ऊपर ब्रश कर देना है। सैलड के लिए आप अपनी मर्जी की सैलड ले लें। मैंने यहाँ पर कैबेज ली है, कैप्सिकम लिए हैं, फ्रेश ग्रीन्स लिए हैं और आधा एप्पल लिया है। सारी सैलड को आपने चॉप कर लेना है। आप इसमें कोई भी सैलड का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन फ्रेश ग्रीन सैलड का इस्तेमाल आप ज़्यादा करें। सैलड को आपने उसी मैरिनेट वाले बाउल में मिक्स कर लेना है। अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें एक्स्ट्रा मैरिनेट भी ऐड कर सकते हैं जिसमें ऑलिव ऑयल, एप्पल साइडर विनेगर और अपने मिर्चों का इस्तेमाल करना है। फिर इसको सर्व करें। ये सिंगल सर्विंग है और इंजॉय करें। ब्लैक पेपर स्टेक, इट इज़ वेरी जूसी एंड वेरी टेंडर।